आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे द ताशकेंट फाइल्स। हाल ही में 12 अप्रैल फ्राइडे को ये मूवी रिलीज हुई, हिला के रख दिया इसने। इस मूवी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये मैंने मूवी देखी मैं तो बिल्कुल हिल गया, जो ये प्रूव करती है कि शास्त्री जी, हमारे प्यारे शास्त्री जी को मारा गया था। शास्त्री जी वॉज एक्चुअली किल्ड। वो कोई हार्ट अटैक से नहीं मरे थे, कोई कार्डियक अरेस्ट से उनका देहांत नहीं हुआ था। शास्त्री जी को बकायदा सोची समझी साजिश के तहत मारा गया था। भैया केजीबी ने मारा, सीआईए ने मारा, या किसने मारा, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको जैसा पता है कि जब शास्त्री जी का देहांत हुआ, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी कमीशन नहीं बैठी, तो हम पुख्ते तौर पे तो नहीं कह सकते क्योंकि सबूत नहीं है। लेकिन भैया जो पॉइंट्स रेस किए गए हैं इस मूवी में, उसमें ये बिल्कुल साबित होता है कि शास्त्री जी वॉज किल्ड। और जबरदस्त एक्टिंग है दोस्तों, क्या गजब की। मिथुन चक्रवर्ती, पंकज त्रिपाठी, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है। जरूर देखिएगा इस मूवी को, आपको मजा आ जाएगी भैया, दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये लेक्चर पूरा देखिए, क्योंकि भैया रात से पर्दा उठने वाला है। सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी है क्योंकि टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एक एग्जाम के लिए आते हैं। आप आराम से घर बैठ के तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, स्टडी आईक्यू आपके साथ है। तो अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, कमाल के कोर्स है दोस्तों। तो अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो कौन थे ये। वैसे मैंने इनकी किताब का रिव्यू किया, इनकी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है, इनकी बायोग्राफी का रिव्यू किया है, आप देख लीजिएगा। पार्ट वन पार्ट टू में लेक्चर है, आपको इनकी लाइफ के बारे में पूरा पता चल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर सीरीज भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा, हमने जिक्र किया है। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कमाल के थे, जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जिनको पता था कि एक्चुअली में क्या करना है। दोस्तों व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और भारत को कॉलोनाइज नहीं होने देना, इस मूवी में बोला गया है कि हम तो एक नए एज में चले गए हैं ना दोस्तों। आप देख लीजिए कि भारत में भारत का कुछ नहीं है, भारत में जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके सबके स्टेक्स कहां हैं, सब फॉरेन कंपनीज ओन कर रही हैं, आप देख लीजिए। तो भारत में बहुत ज्यादा यहां पे इस मूवी में, बल्कि यह भी बोला गया है कि पहले तो ब्रिटिशर क्या करते थे, वो डायरेक्टली मारते थे, अब क्या हो रहा है, बाहर की कंपनीज हमको पिज्जा बर्गर सब ये सारी चीजें खिला के मार रही हैं। तो अगर शास्त्री जी होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। शास्त्री जी का स्टेचर दोस्तों बहुत बड़ा था, इतने ईमानदार थे, इन्होंने तो कार तक अपनी किस्त पे ली थी। हमने बात की थी ना जब हमने इनकी बायोग्राफी का रिव्यू किया था, इन्होंने अपनी कार तक किस्त पे ली थी। इन्होंने अपने बेटे को एक बार, इन्होंने इनके बेटे ने इनकी कार इस्तेमाल कर ली थी, और तो शास्त्री जी ने काफी डांटा था। ये अपने परिवार को भी कोई भी सरकारी प्रिविलेज इस्तेमाल नहीं करने देते थे, ऐसे थे शास्त्री जी। एक जोड़ी चप्पल थी, दो जोड़ी कपड़े थे, टोपी थी, खादी कलर की बनियान थी, इसके अलावा शास्त्री जी के पास कुछ भी नहीं था। जय जवान जय किसान। 1965 में दोस्तों आपको पता ही है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1962 का जो युद्ध हमने चीन से हारा था, उसके बाद पाकिस्तान के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने सोचा कि हम भारत को अटैक कर देंगे और जीत जाएंगे। तो भारत ने अटैक किया, लेकिन इतिहास में पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोल दिए थे। हमने बात की थी ना, शास्त्री जी ने सेना को खुली छूट दे दी थी, अरे आप पाकिस्तान, भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान को पूरा कब्जे में ले लिया जाता। लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी, कुछ मिनटों की बात थी दोस्तों, और ये शास्त्री जी ने कर दिखाया था। अमेरिका का क्या रुख था, अमेरिका उस समय काफी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, भारत को वो PL-40 वीट भेजता था ना, वो ऐसा गेहूं था कि अमेरिका में इसको जानवर भी नहीं खाते थे, और वैसा गेहूं हम खा रहे थे। तो यहां पे शास्त्री जी ने क्या बोला था कि हमको तुम्हारा गेहूं चाहिए ही नहीं, रखो अपना गेहूं हमारे पास। शास्त्री जी ने पूरे देशवासियों से अपील की थी कि घर घर में खेती करें और थोड़ा सा खाना कम करें। तो लोगों ने यहां पे सोमवार को व्रत रखना शुरू किया दोस्तों,
ये तो स्टेचर था शास्त्री जी का। शुरू में शास्त्री जी को सीरियसली नहीं लिया जाता था। जवाहरलाल नेहरू से बहुत ही अच्छे रिश्ते थे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, बड़ा ही हंसी मजाक चलता था। लेकिन शुरू में शास्त्री जी को सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया जाता था। लेकिन जब इन्होंने 1965 का कमाल कर दिखाया आर्मी आर्मी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो इनको बहुत सीरियसली लिया जाने लगा। तो शास्त्री जी जय जवान जय किसान के जनक थे और जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उसके भी जनक थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतने महान नेता का बहुत लंबा करियर चल ही नहीं पाया। प्राइम मिनिस्टर टेनवर जो है वो बहुत ज्यादा चल ही नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि 1965 में जो ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, आपको पता ही है ना कि ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ था भैया, जब 1965 में वॉर खत्म हुआ था सितंबर में, तो यहां पे भारत तो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान को कब्जे में लेने की कोशिश में था ना। लेकिन यहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी काफी लोगों के दबाव में हो गए, फिर उनको भी ये लगा कि शायद ये सही होगा, पीस इस समय ठीक है, तो यहां पे उज्बेकिस्तान में ताशकेंट है वहां पे ताशकेंट एग्रीमेंट को साइन किया गया 10 जनवरी 1966 में। इसमें सबसे मेन चीज यही थी कि भैया एक सीज फायर एस्टैब्लिश हो जाएगा, स्टेटस को रहेगा, भारत अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लेगा और पाकिस्तान अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लेगा। हालांकि पाकिस्तान की फोर्सेस क्या, वो तो हार ही गए थे। तो 10 जनवरी 1966 में ये साइन हुआ था दोस्तों, और 11 जनवरी को शास्त्री जी का देहांत हो गया। ये बोला गया कि भैया दिल का दौरा पड़ा है। तो दोस्तों शाम को बहुत बड़ी पार्टी थी, ठीक है, पार्टी अटेंड करके शास्त्री जी जब अपने रूम में गए, ठीक है, अपने विला अपने बंगलो में गए, तो रात के तकरीबन 1:20 पे, 1:20 पे, मतलब सुबह के 1:20 पे उनको खांसी आने लगी, काफी खांसी आने लगी, पसीना आने लगा। तो उसके बाद जब डॉक्टर्स को बुलाया गया, जब उनके सचिव को बुलाया गया, मतलब ये सारी चीजें हुई, 1:32 पे उनका देहांत हो गया था। तो 12 मिनट बाद ही उनका देहांत हो गया था। तो ये सारी चीजें हुई थी। अब ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि ऐसा क्या हुआ था। ये मूवी की बात करें दोस्तों, तो इस मूवी की शुरुआत ही होती है कि एक केजीबी का एजेंट आता है इंडियन ऑफिस, उसके बाद एक जर्नलिस्ट होती है, जर्नलिस्ट को अननोन फोन आता है, उसके बाद वो बताता है कि शास्त्री जी को किस तरीके से मारा गया, वो गाइड करता है, फिर एक पूरी कमेटी बैठती है जिसको त्रिपाठी कमेटी बोला जाता है और जो मिथुन चक्रवर्ती लीड करते हैं। ये मूवी का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी ने क्या पॉइंट्स उठाए हैं और एक्चुअली में इसमें मैं और भी बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा, ठीक है, जो मूवी में नहीं बताया गया वो भी मैं ऐड करूंगा, और क्या चीज, कौन कौन सी और सी चीजें हैं जो ये हमको बताती है कि कुछ तो गड़बड़ थी। सबसे पहले दोस्तों रशिया का यहां पे बहुत बड़ा रोल है, सोवियत का बहुत बड़ा रोल है। देखिए दोस्तों हुआ क्या था कि 1945 के बाद आपको पता ही है ये कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया था, सोवियत वर्सेस अमेरिका। अब CIA तो पकड़ पकड़ के मार रहा था यहां पे, CIA और जो KGP और ये जो जितनी भी ये जो एजेंसीज होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये अपने प्रोपागेंडा को कभी नहीं बताती हैं। ये जो करती है शांति से ही करती है, शांति से ही करेंगी ना, चिल्ला के करेंगी तब तो हालत खराब हो जाएगी इनकी। अभी आपने देखा ना कि भैया एक जासूस को ब्रिटेन में मार दिया गया था वो जहरीली गैस देके। तो वो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों, सब कुछ पर्दे के पीछे चलता है। तो सबसे पहले इस मूवी में भी शक गया KGB ने तो कहीं नहीं मरवा दिया दोस्तों KGB। अब देखिए शास्त्री जी को की मतलब जो उनको मरवाने का फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा, आप समझदार हैं, ठीक है, और इस मूवी में भी वही चीज बताई गई है। तो यहां पे बहुत बड़ी पार्टी ने मिलके और KGB ने मिलके, ऐसा तो नहीं कि यहां पे दे दिया शास्त्री जी को पॉइजन, क्योंकि यहां पे कुछ चीजें हैं जो हमको गौर करनी है। सबसे पहले शास्त्री जी को होटल में नहीं ठहराया गया था, शास्त्री जी को ताशकेंट के बहुत बड़े बंगलों में ठहराया गया था, जिसको ढांचा बोला जाता था, ठीक है ना, जिसको ढांचा बोला जाता था। वो बहुत बड़ा बंगला था, सब कुछ था, सारी फैसिलिटीज थी, बड़े बड़े कमरे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात शास्त्री जी वॉज दी हेड ऑफ स्टेट। उनके रूम में कोई बेल नहीं थी, कोई टेलीफोन नहीं था, ऑक्सीजन ऑपरेशन थिएटर उस बंगले में थे ही नहीं। वुड यू बिलीव इट, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों ये मूवी या फिर जो बात होती है वो हमेशा
हिस्टोरियन फैक्ट्स वर्सेस कॉमन सेंस की बात है भैया। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि 110% कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, लेकिन अगर हम हिस्टोरियंस को देखें, फैक्ट्स को देखें, तो सारी चीजें अपने अपनी जगह पे बैठ जाती हैं। तो यहां पे दोस्तों उस रूम में कोई टेलीकॉम नहीं, कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। दूसरी चीज जो बहुत बड़ा शक खड़ा करती है, जो रूम्स थे शास्त्री जी के, ठीक है, मतलब जो सचिव थे, जो उनके डॉक्टर्स थे, शास्त्री जी के साथ हमेशा उनके डॉक्टर्स चलते थे, उनकी टीम चलती थी बेसिकली, वो बहुत दूर थे, बहुत दूर थे, ठीक है, अच्छा खासा 5 से 10 मिनट लगता था एक रूम से दूसरे रूम में जाने में। तो ये क्यों किया? ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी दिक्कत आ सकती थी तो वहां पे आपको तुरंत बुलाना था। अमूमन ऐसा होता नहीं है, अमूमन क्या ऐसा होता ही नहीं एक हेड ऑफ स्टेट के साथ कि पहली बात आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात आप इस तरीके से सेटिंग कर रहे हैं कि कहीं पे कोई मदद ही ना मांग सके। तो ये एक बहुत बड़ा शक पैदा करती है। तो केजीपी पे शक जाता है, और इस मूवी में, मूवी के आखिरी में कुछ ऐसा रिवील किया है दोस्तों, होश उड़ गए। हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी उन्होंने क्लेम नहीं की है, लेकिन आप जरा वो देखिएगा कि वो क्या रिवील किया है। तो यहां पे शक जो है वो बहुत कुछ केजीपी पे भी जाता है और इंदिरा गांधी पे भी जाता है, ठीक है। कि देखिए दोस्तों, जब शास्त्री जी वापस, उनकी डेड बॉडी आई थी, इतनी रहस्यमय हालत में मौत हुई थी, एक बार भी, अगर इतना ज्यादा रहस्यमय हालत में मौत होती है तो एक बार भी किसी ने यह नहीं बोला सरकार में कि हमें कमीशन बैठाएंगे, हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों अगर इस तरीके की मौत होती कि पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा ना कैसे मौत हुई, इतनी विवादास्पद मौत, ऊपर से पोस्टमार्टम नहीं। दूसरी चीज, जब शास्त्री जी की डेड बॉडी आई तो उनकी जो पत्नी थी ललिता शास्त्री, जैसे ही शास्त्री जी की डेड बॉडी आई, ललिता शास्त्री ने देखा, अच्छा ललिता शास्त्री का मैं बैकग्राउंड बता दूं, वो गांव की थी, उनको पता था कि जहर देने पे क्या होता है, किस तरीके से मौत होती है और बाकी। तो यहां पे ललिता शास्त्री ने जैसे ही बॉडी को देखा, डेड बॉडी को, उन्होंने तुरंत बोल दिया इनको जहर दिया गया है। उनके पेट के जो नाभि के ऊपर का पूरा शरीर था नीला पड़ गया था, वो पूरा नीला पड़ गया था, जगह जगह कट्स के निशान थे, जगह जगह कट्स के निशान थे। हार्ट अटैक से ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि शरीर नीला पड़ जाए। तो यहां पे तुरंत ही उनकी वाइफ ने बोल दिया था कि शास्त्री जी को जहर दिया गया है। ये दोस्तों इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने अभी जॉन एफ कैनेडी पे लेक्चर आएगा, ठीक है, तो उस पे मैंने बताया है कि सबसे खतरनाक दशक और सबसे एक ऐतिहासिक दशक जो दुनिया का रहा है वो 1960 का रहा है। 1960 में पूरी दुनिया चेंज हो गई थी, हो रही थी, इनफैक्ट क्यूबा में रेवोल्यूशन आ गया था, आपको पता ही है क्यूबा में रेवोल्यूशन आ गया था। अमेरिका की CIA क्या क्या कर रही थी, कितनी कैसी गिरी हुई हरकतों पर उतर आई थी, वो आपको भी पता है। CIA और KGB दोनों ही एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे और उन लोगों को मारने में लगे हुए थे जो उनके आगे आ रहे हैं। इसमें CIA ने तो भैया देशों में तख्ता पलट करवा दिए हैं, 1961 में इराक में तख्ता पलट हो गया था और 1963 में CIA की इन्वॉल्वमेंट से, ऐसा बोला जाता है, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वहां के कासिम को जो डिक्टेटर बन गए थे उनको मार दिया गया था, सद्दाम हुसैन को खड़ा कर दिया गया था, सद्दाम हुसैन को खड़े करने वाले अमेरिकी ही तो है ना। तो ये सारी चीजें 1960 में हो रही थी, तो ये बहुत बड़ा शक जाता है। दूसरी चीज, डॉक्टर्स का यहां पे क्या रोल था? अब दोस्तों यहां पे जो शास्त्री जी के डॉक्टर थे डॉक्टर चुग, ठीक है, वैसे दो रिपोर्ट भेजी गई थी, एक इंडिया को भेजी गई थी और एक सोवियत के पास थी। तो दोस्तों जो इंडिया को रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें 6 डॉक्टर्स के साइन थे और जो रशिया को रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें 8 डॉक्टर्स के साइन थे, एक डॉक्टर्स का साइन नहीं था, डॉक्टर येरेन को, वो सीनियर डॉक्टर थे। यहां पे जैसे ही ये सारी चीजें हुई, ठीक है, एक 1:30 बजे लगभग रात के 11 जनवरी को, मतलब सुबह, वो तो सुबह हो गई, मतलब सुबह के 1:30 बजे, तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि शास्त्री जी को इंजेक्शन दिए गए, तो वो मस्कुलर इंजेक्शन थे, वैस्कुलर मस्कुलर इंजेक्शन थे, क्या उसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे इंजेक्शन थे जो मसल्स को दिए गए थे, लेकिन अगर हार्ट अटैक होता है, इस तरीके की कोई चीज होती है, तो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो नसों में दिए जाते हैं ताकि उनमें जान आ जाए, तो मसल्स में क्यों दे? अब भैया ये तो बहुत ही बेसिक चीज है ना, क्या ये मेडिकल डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स थे उनको पता नहीं थी? ये भी इस मूवी में सवाल उठाया गया है। दूसरी चीज दोस्तों, ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया गया? इसमें यह भी हो सकता है कि वहां पे ऑक्सीजन था ही नहीं, वहां पे तो ऑपरेशन थिएटर भी नहीं था। दूसरी चीज और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट,
तुरंत रिवाइवल क्यों नहीं किया गया? अब दोस्तों यहां पे बहुत बड़ी बात आती है। देखिए आपको पता ही है कि अगर हार्ट अटैक आता है तो उसको रिवाइव भी किया जा सकता है, ठीक है ना, रिवाइव भी किया जा सकता है। यहां पे डॉक्टरों ने बोला कि हम रिवाइव तभी तो करें जब ये हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, तभी रिवाइव करें ना। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये भी पॉइंट्स उठाए गए हैं और ये भी पॉइंट्स सर्कुलेट होते हैं। तो भैया सारा शक जो है वो केजीबी को भी जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये शक है, देखिए ये जो डेटा है ये कोई पुख्ते तौर पे नहीं कह सकता, ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी मसालेदार चटपटी खबरें सर्कुलेट होती रहती है। मैंने दो लेक्चर इससे पहले लिए थे, आपको याद होगा, लियोनार्डो डाविंची की मोनालिसा की पेंटिंग, उसमें मैंने बताया था, उसमें भी पता नहीं क्या उस पेंटिंग में एलियन है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं। फिर मैंने बरमूडा ट्रायंगल के भी बारे में बताया था, वो लेक्चर्स अवेलेबल है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके, देख लीजिएगा। तो उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरीके, तो ये हो सकता है कि ये खबरें भी हो, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ हुआ उससे तो ये खबरें नहीं लगती। दूसरी चीज दोस्तों, ये व्हाइट होगा एक्चुअली, ठीक है, ये ब्लू मैंने लिख दिया। तो यहां पे दोस्तों जगह जगह उनके व्हाइट पैचेस थे, माथे पे व्हाइट पैचेस थे। जब डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो ये बोला गया कि ये व्हाइट पैचेस तभी आते हैं जब जहर दिया जाए। कट्स कहां से आ गए थे? पेट पे कट्स थे, गले पे कट था, थोड़े बहुत और जगह कट्स थे। कट्स कहां से आ गए? हार्ट अटैक में कट्स तो आते नहीं है, आपको पता ही होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब यहां पे डॉक्टर चुग बहुत बड़े विटनेस थे इस केस के। सबसे खतरनाक चीज ये है दोस्तों, डॉक्टर चुग का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर चुग को मारने की दो बार कोशिश की गई थी, मारने की एक्सीडेंट, अब इसको आप कोइंसिडेंस कह लीजिए, ठीक है, या कह दीजिए कि मार दिए गए। लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टर चुग जो कि बहुत बड़े विटनेस थे, शास्त्री जी की बॉडी को उन्होंने एग्जामिन किया था और उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, डॉक्टर चुग का 1977 में एक ट्रक ने उनको कुचल दिया, वहीं उनकी मौत हो गई, उनकी फैमिली की मौत हो गई, उनकी बेटी बची रही लेकिन वो अपाहिज हो गई। तो इस तरीके का कुछ था दोस्तों डॉक्टर आर एन चुग। अब यह भी बहुत बड़े शक खड़े करता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुरंत बाद ही, शक है ना, ये सारी चीजें एक एक करके विटनेस को मारा जा रहा है। दूसरी चीज, एक और पॉइंट, इस केस से रिलेटेड फाइलें दबा दी गई, एविडेंस को गायब कर दिए गए, तो ये भी बहुत बड़े शक खड़े करती है कि ये क्यों हुआ। एक और चीज, कुलदीप नैयर, उस समय कुलदीप नैयर सीनियर जर्नलिस्ट थे और शास्त्री जी के साथ थे। तो आपको बता दूं, ये मूवी में नहीं है, हालांकि जब मैंने पढ़ा था तब मैं बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मूवी में नहीं है, ठीक है, जो मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो कुलदीप नैयर ने सपना देखा था, आपको पता है कि सपना देखा था उस रात में कि शास्त्री जी का देहांत हो गया है, शास्त्री जी की डेथ हो गई है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आप देखिए विश्वास नहीं करेंगे कि अगले ही पल वहां पे एक मतलब वहां पे एक रशियन नौकर आता है और वो बताता है कि आपके प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो कुलदीप नैयर को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या गया। तो तुरंत वो भागे भागे जाते हैं, शास्त्री जी को देखते हैं, फिर वहां पे तिरंगा पड़ा होता है, मतलब होता है वहां पे, तो वहां पे फिर मतलब उनकी डेड बॉडी को लपेट देते हैं वो तिरंगे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज दोस्तों, शास्त्री जी का थर्मस, आपको एक और चीज बताता हूं। यहां पे जब शास्त्री जी का देहांत हुआ तो सारी चीजें लौटा दी गई थी शास्त्री जी के परिवार वालों को, हर एक चीज, हर एवरीथिंग वॉज रिटर्न्ड, चाहे वो उनकी घड़ी हो, पेन हो, कपड़े हो, सब कुछ लौटा दिया गया था एक्सेप्ट थर्मस। वो कहां है, किधर पे है, आज तक उसका किसी को पता नहीं है। लास्ट टाइम जो चीज उन्होंने टच की थी वो शास्त्री जी का थर्मस था, जो कि हमेशा वो अपने साथ लेके चलते थे। और वो थर्मस का जो ढक्कन था वो बिखरा पड़ा था, मतलब जो थर्मस था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि उस थर्मस को खोलने की कोशिश की गई है। और वो थर्मस कहां है अभी तक किसी को नहीं पता चला। तो क्या थर्मस में कुछ था, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, CIA इन्वॉल्वमेंट, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। आपको एक चीज बताता हूं, शास्त्री जी ने उस समय बोल दिया था भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करो। अब यहां पे सोवियत और अमेरिका, दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स, नहीं चाहेंगे कि कोई भी जो कंट्री है वो न्यूक्लियर टेस्ट करे, ठीक है ना, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट करे। तो इस चीज के लिए वो हर हद तक गए। अब ये कोइंसिडेंस कह लीजिए या ये स्ट्रैटेजी कह लीजिए या कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि शास्त्री जी की डेथ
11 जनवरी को हुई, ठीक 13 दिन बाद 24 जनवरी को हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जन्म दिया, फादर ऑफ आर न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी जहांगीर बाबा का प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गया। हालांकि जब ये सारी चीजें आई बाहर तो ये बोला गया कि उनका प्लेन क्रैश हो गया था। दोस्तों होमी जहांगीर बाबा की मैंने बायोग्राफी कवर की, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो फिर वो बताया था कि उनका प्लेन क्रैश हो गया था और वो बिल्कुल वो पायलट की गलती थी। लेकिन यहां पे बहुत सारी खबरें आई कि बम रख दिया गया था प्लेन में। आपको बता दूं कि एक CIA के जासूस रॉबर्ट क्राउनी ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए ये एडमिट किया था कि शास्त्री जी और होमी जे बाबा की मौत में CIA का इन्वॉल्वमेंट है। CIA उस समय सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, ये सच है दोस्तों, सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, मतलब जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, अगर कोई और है, कोई और देश का है, उन सबको खत्म कर देती थी। दोस्तों देशों के जासूस घूमते रहते हैं ना, अमेरिका के भी जासूस घूमते रहते हैं, भारत में भी इस समय सोवियत के भी जासूस घूमते रहते हैं, तो ये इन सबको स्पेशल मिशन भी दिए जाते हैं अगर कोई चीज खत्म करनी हो। तो यहां पे CIA का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जाने लगा कि CIA भी इन्वॉल्व है। और भारत का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसमें शास्त्री जी ने बिल्कुल हरी झंडी दे दी थी, होमी जहांगीर भाभा ने तो स्टार्ट कर दिया था 1950 के बाद, नेहरू जी ने तो बोल दिया था कि भैया ठीक है आपको जो करना है करो। तो यहां पे शास्त्री जी ने बोला था कि हमको एक न्यूक्लियर पावर होना है। तो ये एक बहुत बड़ा शक पैदा करता है कि कैसे 13 दिन बाद ही हमारे होमी जहांगीर भाभा का भी देहांत हो गया। तो एक बहुत बड़ा शक ये भी, और इसमें यह भी बोला जाता है कि CIA इन्वॉल्व है। देखिए दोस्तों, जो रॉबर्ट क्राउनी है, अब उनको ये भी बोला जा सकता है कि ये मतलब सही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। उस समय क्यों नहीं बोला जब ये सब हो रहा था? वो इसलिए दोस्तों कि जब आप इंटेलिजेंस सर्विस में रहते हैं तो सर्विस में होते हुए आप कुछ रिवील नहीं कर सकते, जब आप रिटायर हो जाते हैं तब आप रिवील कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है, और इस मूवी में भी ये पॉइंट उठाया गया है, और ये सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड पॉइंट है कि CIA का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को। दूसरी चीज, मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें और बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए उनका जो खाना बनाया गया था, देखिए जब ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है, तो गिरफ्तारी भी हुई थी वहां, जो KGB के डायरेक्टोरेट है उन्होंने बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उसमें सबसे बड़ा जो सस्पेक्ट था वो था जान मोहम्मद। कौन था उस समय जो हमारे रशियन हाई कमिश्नर थे, मिस्टर कॉल, उनका रसोईया था। अब यहां पे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी अपना रसोईया हमेशा अपने साथ लेके चलते थे, जिनका नाम था रामनाथ। वो सालों से उनके लिए खाना बना रहा था, लेकिन एंड टाइम पे यहां पे उस दिन रसोइयों को चेंज किया गया। जो खाना आया वो जान मोहम्मद ने बनाया था। यह भी बहुत बड़ा पॉइंट रेस करता है। इससे बड़ी शक की बात क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। और हां, जब हमारे शास्त्री जी को मतलब उनका हार्ट अटैक हुआ तो KGB को उस समय शक हो गया था, तो KGB ने बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसमें अहमद सटारोव थे, ठीक है, कुछ बटलर्स थे, और जान मोहम्मद भी था। उनको 30 किलोमीटर बाहर ले जाया गया और फिर उनसे पूछताछ हुई। तो यहां पे दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, जान मोहम्मद को राष्ट्रपति भवन में कुछ सालों बाद नौकरी मिली, वो इंप्लॉय हो गया था राष्ट्रपति भवन का। ये सबसे बड़ा डाउट क्रिएट करती है, ये क्यों हुआ? तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से ये सब कुछ उलझता जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी। और सबसे आखिरी चीज दोस्तों, पोस्टमार्टम, ये तो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। देखिए अगर पोस्टमार्टम हो गया होता तो आज हम ना, मतलब 50 साल बाद ना हम शास्त्री जी के बारे में इस तरीके की चीजें डिस्कस कर रहे होते, ना कोई डाउट होते। पोस्टमार्टम हो जाता, सीधी सी बात थी, सब कुछ खत्म, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इतनी विवादास्पद मौत, सबको पता था, अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी ऑपोजिशन लीडर ने भी सवाल उठाए थे कि जांच इंक्वायरी बैठाओ सब कुछ, लेकिन कोई जांच, कोई सीरियस जांच इंक्वायरी कमीशन बैठा ही नहीं, ना ही पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम तुरंत किया जाना था, क्या एक परिवार का हक नहीं है? जब यहां पे शास्त्री जी की बॉडी घर पे आई, उन सुनील शास्त्री और उनकी पत्नी ललिता शास्त्री और उनके बेटे अजय शास्त्री, दो बेटे थे ना उनके, अजय शास्त्री थे कि थोड़ा नाम भूल गया हूं मैं, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे क्या उनका हक नहीं है कि
बॉडी का पोस्टमार्टम हो, बिल्कुल हक है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया गया आनन फानन में, ना ही सोवियत में किया गया और ना ही भारत में किया गया, तो ये क्यों हुआ? पोस्टमार्टम अगर इतनी विवादास्पद, सब कुछ पता चल जाता, जहर से मारा है कि हार्ट अटैक हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं किया गया, तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों यहां पे इस मूवी में जब क्लाइमैक्स होता है तो इस मूवी में एक सवाल उठाया गया है कि क्या मतलब, अगर मतलब ये सारी चीजें हैं तो, और जगह जगह कच के निशान है, तो कपड़ों के उनपे खून लगा होना चाहिए, तो खून लगा है कि नहीं? इसका जवाब आप मूवी में देखिए, लास्ट में कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके की चीज होती है कि पता लग जाता है कि क्या सच है क्या झूठ, वो मूवी देखिएगा। लेकिन मूवी भी यही बोलती है कि ये सारी चीजें जो हैं हम पुख्ते तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लेकिन अगर जांच इंक्वायरी मतलब जांच हो, इस पे एक इंक्वायरी कमीशन बैठे, तो ये शायद सबसे बड़ा न्याय होगा एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। और उसके बाद दोस्तों 1965 में 1966 में शास्त्री जी का देहांत हुआ, और अगले 20 से 30 सालों में एक नया दौर स्टार्ट हो गया ना, कोलोनाइजेशन। कैपिटलिज्म इज द न्यू एज ऑफ कोलोनाइजेशन, कि किस तरीके से भारत को विदेशी कंपनियों ने कोलोनाइज कर लिया, और अभी भी यही हो रहा है ना, हम अपना कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। भैया बाहर का अगर हस्तक्षेप रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है इन्वेस्टमेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अपना भी देखना पड़ेगा कि हम अपने देशवासियों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जो इस मूवी में उठाए गए हैं और जो सर्कुलेट होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके व्यूज आर वेलकम। आप भी बताइए कि क्या आपको लगता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? लेकिन कोई इररिलेवेंट कमेंट्स, कोई भी बकवास कमेंट्स, गाली गलौज नहीं करेगा, तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह, एक इंटेलेक्चुअल की तरह अपने व्यू पॉइंट्स दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं